हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फैन कोड यूरोपियन क्रिकेट T10 ग्लोबलेटर के लीग के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच किस किस के बीच में खेला जा रहा है? रुग्बी CC वर्सेस पायरेट्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मैच के बारे में बात किया तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में लगभग 11 घंटे 50 मिनट बचे हैं मैच स्टार्ट होने में। तो मैं पहले आपको तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। वो तीनों चीज़ें रहेगा पिच के बारे में, पिच रिपोर्ट दोस्तों, और आपको एवरेज स्कोर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ आपको जाना तो पहले आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीनों चीज़ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, पहले आपको उसके साथ ही साथ आपको ये भी कर लेना होगा कि तो मैं पहले आपको पिच के बारे में बता देता हूँ, तो आपको फाइनली वो बताऊँगा। तो ये पिच आपको बॉलिंग के लिए अच्छे सपोर्ट करेगा दोस्तों। कोई भी टीम आपको टॉस जीता तो बॉलिंग का फैसला करेगा, और पिच रिपोर्ट की बारे में बात किया तो उनसे फास्ट बॉलरों को अच्छे सपोर्ट करेगा। एवरेज स्कोर की बारे में बात किया तो 79 और 89 के बीच में स्कोर बनेगा। तो दोस्तों, ये एवरेज स्कोर के बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी कर लेना होगा कि मैं टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना होगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, मैं क्योंकि बोल रहा हूँ कि मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है, तो आपको कोई मेरा फाइनल टीम चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर बाय मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन है तो आपको सीधा टेलीग्राम में जाके इस तरह आपको सर्च कर लेना होगा दोस्तों। सर्च ऑप्शन में जाके तो सीधा टेलीग्राम में चल जाना, इस तरह आपको सर्च करना होगा दोस्तों @jehofantasy करके। तो फ्रेंड्स, आपको सर्च करने के बाद आपको तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो शो होने के बाद आपको जो 1306 सब्सक्राइबर जिसमें दिखाई दे रहा दोस्तों, उसी में आपको ज्वाइन करना। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल आपको सही तरह से सर्च करने के बाद, और बाकी जो अकाउंट्स को आपको अवॉइड करना है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों बंदों ने मेरे टेलीग्राम चैनल से फेक अकाउंट्स बना लिए। फेक अकाउंट्स के साथ ही साथ ये फेक टीम भी देता है दोस्तों। फेक टीम को फॉलो करने के बाद आप लॉस हो जाते हैं। लॉस होने के बाद आप सीधा सोचते हैं कि मैं टेलीग्राम चैनल आपको लॉस करवा दिया। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही बताऊंगा, ये दोनों अकाउंट्स आपको दूर रहना। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो मैं प्रॉफिट के बारे में बता देता हूँ। अभी तक आप कितने लॉसेस में भले वो मैंने जानता, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ रहने से आपको सब लॉसेस कवर करवा दूंगा। ये मेरा 100% श्योर वादा है दोस्तों। और साथ ही साथ मैं वीडियो को लंबा भी नहीं करता हूँ, चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहले पिक करेंगे दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलरों को पिक करेंगे दोस्तों। तो कुल मिला के हम लोग 11 प्लेयर को पिक करते हैं। इन 11 प्लेयर के आपको स्टैट्स के बारे में बता दूंगा, कैप्टन और विस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रेंड्स। ये सारा चीज़ आपको जाना तो पहले आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्टन और विस कैप्टन के बारे में, और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम। तो दोस्तों, हम लोग पहले विकेट कीपर को पिक करते हैं, लोरेना बर्न्स को। एक इंपॉर्टेंट राइडर होंगे, सॉरी फ्रेंड्स, विकेट कीपर रहेंगे, कमाल के एक्सपीरियंस विकेट कीपर है। अगर ये प्लेयर की स्टैट्स के बारे में बात करें, 13 रन बना पाए थे 11 गेंद खेलकर, साथ ही में 2 ओवर डाल के 2 विकेट भी था। तो दोस्तों, का पार्ट टाइमर विकेट कीपर है, तो कोई इसके टीम में दूसरा विकेट कीपर ऑप्शन होगा, लेकिन आपको प्लेयर आपको परफेक्ट रहेंगे दोस्तों कीपिंग में, और उसके साथ साथ बैटिंग तो लाजवाब है। और साथ ही में आपको बैट्समैनों के बारे में बात किए तो निखिल आडवाणी को पिक कर सकते हैं, पहले बैट्समैन में एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। और उसके साथ साथ डेविड रॉबिसन को पिक कर सकते हैं दूसरे डिफेंडर बैट्समैन में, और गिराज डेविस को पिक कर सकते हैं दोस्तों तीसरे बैट्समैन में। तो दोस्तों, परफेक्ट बैट्समैन हो चुके हैं। अगर तीनों बैट्समैन की स्टार्ट के बारे में बात की, आडवाणी लास्ट मैच में 1 ही रन बना पाए थे, तो इसके बल्ले से कोई बिग स्कोर नहीं आ रहा दोस्तों, 1 ओवर डाल के 2 विकेट था। लेकिन ये प्लेयर जो है दोस्तों, जब खेलेंगे तब बड़ा स्कोर मारेंगे, तो इसीलिए आपको प्लेयर को पिक करना है। और साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, रॉबिसन को पिक करना होगा, तो 10 रन बनाए थे 14 गेंद खेलकर। साथ ही में आपको तीसरे बैट्समैन में आते हैं डेविस, तो डेविस की बार हम बात करें तो लास्ट मैच 4 रन बनाए थे 7 गेंद खेल के। तो दोस्तों, तीनों बैट्समैन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही मैं ऑलराउंडरों की बार हम बात किए तो मैं पहले ऑलराउंडर में पिक कर सकते हैं, एंड्रयू रियस को पिक कर सकते हैं पहले ऑलराउंडर में, और INE लैटिन को पिक कर सकते हैं दोस्तों दूसरे ऑलराउंडर में, और साथ ही साथ कैन्योरी नेस्टर को पिक कर सकते हैं तीसरे ऑलराउंडर में। तो दोस्तों, तीनों ऑलराउंडर की स्टार्ट के बारे में बात करें, राइस ने लास्ट में 14 रन बनाए थे 14 गेंद खेलकर, 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ इयान लैटिन की बारे में बात किया तो 53 रन बनाए थे सिर्फ 25 बॉल खेल के, और 2 ओवर डाल के 1 विकेट था। तो दोस्तों, कमाल के दोनों ऑलराउंडर्स, और लैटिन की बारे में बात किया तो लैटिन ने 53 रन बनाए थे दोस्तों सिर्फ 25 गेंद खेलकर। नेस्टर की बारे में बात किया तो नेस्टर ने 39 रन बनाए थे दोस्तों सिर्फ 21 गेंद खेलकर, 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं। तो दोस्तों, तीनों ऑलराउंडर्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही में जो 4 प्लेयर्स हम लोग बॉलर में पिक करते हैं, जॉन मैथ्स को पिक करते हैं दोस्तों पहले बॉलर में। तो दोस्तों, फास्ट बॉलरों का पिच होगा तो हम लोग इंपॉर्टेंट बॉलर के साथ जाएंगे, और जेट सिम्पसन को पिक कर सकते हैं दोस्तों दूसरे बॉलर में, साथ ही साथ रिचर्ड किंगनेगम को पिक कर सकते हैं तीसरे बॉलर में, मोहम्मद रोशन को पिक कर सकते हैं तीसरे बॉलर में। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे चारों बॉलर्स। अगर चारों बॉलर की स्टार्ट के बारे में बात की तो मैं उसको कहा लास्ट मैच में कोई विकेट्स नहीं दोस्तों, और साथ ही साथ सिम्पसन की बारे में बात की तो 2 ओवर डाल के 2 विकेट था, और कंगेमा की बारे में बात की 1 ओवर डाल के 2 विकेट था। तो कुल मिला के 3 बॉलर के स्टार्ट के बारे में बता दियो, और रोशन की बारे में बात की तो 1 ओवर डाल के 1 विकेट था। तो दोस्तों, कमाल के बॉलर से तो
एक इंपॉर्टेंट T10 का मुकाबला दोस्तों, हर प्लेयर को दो या एक ओवर मिलता है, तो ये दो एक या ओवर में अच्छे बॉलिंग कर लिए चारों बॉलर, सबको इंपॉर्टेंट रहे, तो हम लोग एक विकेट कीपर, तीन बैट्समैन, तीन ऑलराउंडर, चार बॉलर के साथ जाए तो एक परफेक्ट टीम बन चुका है। और आपको मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप कप्तान पर ट्राई कर सकते हैं यान लैटिन को, कप्तान पर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, और वाइस कैप्टन के बारे में बात किया तो स्नैस्टर को वाइस कप्तान पर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको परफेक्ट प्लेयर बना चुका हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरी टीम को देख लीजिए। अगर पहले राइडर के बारे में बात किया, हम लोग एक राइडर को पिक किया एलबर्न से, और बैट्समैनों के बारे में बात किया तो हम लोग तीन बैट्समैन को पिक किया, एडवाइन है दोस्तों, रोबिशन को पिक किया और डेविस को पिक किया, तो तीन बैट्समैन से। और ऑलराउंडर के बारे में बात किया तो हम लोग तीन ऑलराउंडर्स को पिक किया, के नास्टर है दोस्तों, एरियास है और आई लैटिन को पिक किया, तो तीन ऑलराउंडर्स। और बॉलरों के बारे में बात किया तो हम लोग चार बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, कैंगिनस है दोस्तों, सिमशॉन और मैथ्स को पिक किया, और साथ ही साथ रोशन को पिक किया, तो कुल मिलाकर हम लोग 11 प्लेयर को पिक कर लिए हैं दोस्तों। 11 प्लेयर के आपको स्टार्ट्स के बारे में बता दियो, कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया, और आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम भी बता दियो, और साथ ही मैं आपको कोई मेरा फाइनल टीम भी नहीं समझ रहा होगा, मेरा फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना होगा, तो मैं पहले बता चुका हूँ इस प्रोसेस के बारे में, सीधा टेलीग्राम में जाके इस तरह आपको सर्च ऑप्शन दिख ही रहा होगा दोस्तों, सर्च ऑप्शन इस तरह सर्च करने के बाद आपको जो 1306 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं उसी में आपको ज्वाइन करना, और बाकी दो अकाउंट्स को आपको अवॉइड, और जिसमें आपको 1306 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहा है उसमें आपको इस तरह क्लिक करते देखिए तो फ्रेंड्स आपको तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। और उगांडा कबड्डी जो चल रहा है दोस्तों, हर मैचेस का फाइनल टीम मैं दे दूंगा, और फिलहाल आपको माई मास्टर 11 का लिंक देता हूँ दोस्तों नीचे में, उसका लिंक के बारे में बात किया तो मैं परफेक्ट ऐप के बारे में बता दे रहा हूँ, आपको कोई कंपटीशन नहीं रहेगा दोस्तों, लो कंपटीशन, आप मनी इजीली अर्न कर सकते हैं, माई मास्टर लिंक का लिंक को ये होगा, डाउनलोड कीजिए खेलिए, मैं बस इतना बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसमें सिर्फ आपको टीम बनाना होता है, टीम बनाने के बाद आप खुद पैसा आ जाएगा अकाउंट में, क्योंकि दोस्तों इसमें कोई कंपटीशन नहीं, लो कंपटीशन रहता है, तो दोस्तों लिंक द्वारा डाउनलोड कीजिए, और ऊपर इसमें आपको पिन भी करके रख चुका हूँ माई मास्टर 11 का, और साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐप का नाम बता दूँ दोस्तों, ऐप का नाम रहेगा विजन 11, तो आपको क्रिकेट का फाइनल टीम इसी तरह मिल जाएगा दोस्तों, नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ विजन 11 का, तो विजन 11 का खासियत यह है कि दोस्तों मेरे यूजर्स में 1306 यूजर्स हैं लगभग, 1300 लोग जानते होंगे कि दोस्तों विजन 11 का खासियत क्या है, लिंक द्वारा डाउनलोड भी कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो ऐप है दोस्तों, जिसने दूसरे ऐप में किए इन्वेस्ट, ये ऐप में कीजिए 100% श्योर बता रहा हूँ, आप जीतेंगे और मैं जिताऊंगा भी, और आपको प्रॉफिटली मनी इजीली अर्न करना दोस्तों। एक और ऐप का नाम बताता हूँ, वो ऐप का नाम रहेगा दोस्तों कुबेरा, तो कुबेरा का खासियत आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको DO का टिप्स इस तरह मिल जाएगा, नीचे मैं कुबेरा का खासियत मैं बता देना दोस्तों आपको, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे सीधा आपको 30-40 रुपये मिलेगा, तो ये कुबेरा का खासियत बस मैं इतना ही बताऊंगा, डाउनलोड कीजिए और खेलिए, 100% आप शोर जीतेंगे, और साथ ही साथ मैं कुबेरा का लिंक यही दे दूंगा। और फिलहाल आपको जो मैं टीम दे रहा हूँ दोस्तों, आप किस किस में ट्राई कर सकते हैं, आप 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट, और इसके साथ ही साथ हेड टू हेड में ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, मैं 100% श्योर बता रहा हूँ आप जीतेंगे और मैं जिताऊंगा भी, और इसके साथ साथ मैं आपको बेफिक्र रहना है क्योंकि हर मैच इसका फाइनल टीम प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके साथ साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ, आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स, थैंक यू।